नमस्कार दोस्तों दोस्तों जहां हम कोरोना से निपटने के लिए अपनी पूरी जी जान जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक नया तूफान, सही सुना आपने, एकदम एक तूफान का रूप लेकर आ चुका है। एक चक्रवात जिसका नाम बताया जा रहा है ताऊ ते तूफान, जो चारों तरफ अपनी तबाही मचाने के लिए शुरू हो चुका है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुन रहे हैं, तबाही मचाना शुरू कर चुका है। गुजरात के बाद अब पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान में भी इस ताऊ ते तूफान का असर सबसे अधिक दिख रहा है। और गुजरात से सटे कुछ जिले हैं जैसे कि सिरोही, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, पाली में तेज आंधी और बारिश होनी शुरू हो जाएगी इस तूफान की वजह से। और यह तूफान का जो सबसे बड़ा खतरा है वो अब राजस्थान पे मंडराने जा रहा है। और ये भी बताया गया इस तूफान को 18 मई से 19 मई के बीच में ताऊ ते तूफान का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और तूफान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी बहुत बड़ा अलर्ट जारी कर दिया। आपको एक चीज बता देता हूँ, साथ ही साथ इसकी जो तूफान की रफ्तार बताई जा रही है कि 17 और 18 मई को जो इसकी रफ्तार रहेगी 150 से लेकर 175 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है। इन चीजों से अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए अपने आप की पूरी रक्षा करें, घर पर रहें, बिना मतलब बाहर मत जाएं। ये तूफान कभी भी आ सकता है क्योंकि इसकी जो रफ्तार है वो बहुत तेज होने वाली है। तो घर पर रहकर ही अपने आप को बचाने का सबसे बड़ा साधन है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।